नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव का। जी हां, आज महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के 5 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। किसको कितनी सीट मिलेगी इसके बारे में चर्चा करेंगे। महाविकास आघाड़ी वर्सेस भाजपा और शिंदे गुट की लड़ाई है। हालांकि ये अपक्ष से उम्मीदवार से खड़े हैं, लेकिन हर एक को सपोर्ट है किसका, इसी पे एनालिसिस करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, जो 5 सीटों का चुनाव है, आप क्या देखते हैं? विधान परिषद चुनाव का लॉटरी किसको लगेगी, कौन से गुट को लगेगा? बहुत बड़ी हंसी आज तब आई जी कि जब टीवी पे एक प्रवक्ता जोर जोर से कह रहे थे कि ये 5 सीट हमारी पार्टी जीतेगी, हमारी पार्टी मतलब जो भी उनका रचना है वो जीतेगी, ऐसे वो बोल रहे थे। कौन सी पार्टी की, वो कौन सी पार्टी की थी बताओ तो मुझे, थोड़ा हंसने दीजिए। नहीं, मेरे को थोड़ा कैलकुलेट करने दे दीजिए कि वो उनको उस हद तक मैं एक्सपोज करूं या ना करूं क्योंकि वो टीवी पे बोल रहे थे जी। तो जैसे क्या होता है, मेरे को पता चलता है, लाइव से वो गायब हो जाता है तो फिर मेरे नेटवर्क में आ जाता है वो, मैं राह देखता रहता हूँ ये कब निकलता है। तो वो जैसे निकले अपने फ़ोन लाइव से, मैंने फ़ोन किया कि क्या लगता है, तो बोले बोला ना मैंने, बोले तो दुनिया करता रही माया कहता सांग, तो होना 3-2 होना, तो तुमने तो बोला 5 सीट मिलेगी बोला नहीं, हमारी जो महागाड़ी है, चलो थोड़ा थोड़ा रिवील कर, महाविकास आघाड़ी है उसको 2 मिलेंगे और 3 बीजेपी को मिलेंगे। बाद में मैंने बीजेपी के एक मेरे नेता है मित्र, उनको लगाया फ़ोन, मैं बोला आपका अनुमान क्या है, तो बोले अनिल जी बिंदास बोल दो सबको कि 3 सीट हमको मिलेंगी, अच्छा, और 2 सीट सामने वालों को मिलेंगी, मतलब सब आपस में बांट लिए हैं, चुनाव में खाली एक फॉर्मेलिटी रह गई। हाँ अभी ऐसा है कि उसमें भी एक लोचा ऐसा है कि बीजेपी वाले ने 3 का आंकड़ा बताया जी और 2 महागाड़ी को बताया, इन्होंने भी 3 का आंकड़ा महागाड़ी इसको युति को शिंदे फडणवीस को बताया और 2 रापने को बताया, मगर 1 सीट का लोचा दोनों ने कर दिया। 3 सीट होंगे ऐसा दोनों ने बताया, मगर तीसरी सीट जो होगी वो इसने जो सीट का कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम बताया वो अलग वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम उसने जो बताया अलग है, मतलब ऐसा मैं संभ्रम में हो गया कि भाई अगर ये सीट इसके पास जा रही है तो इसका आंकड़ा 4 होना चाहिए जी। मगर वो 3 ही रह रहा है क्योंकि वो बोलता है ये नहीं आएगी ये आएगी। तो कुल मिला के सर अभी हम ना सेफ गेम करते, आज हमने कोई झूठा साबित नहीं कर पाए कोई, तो 3 और 2 होगा और ये और बता देते कि बीजेपी समर्थित है, बीजेपी समर्थित 3 आएंगे और महागाड़ी समर्थित सर महाविकास में 3 पार्टी है नहीं, शिवसेना कांग्रेस एनसीपी। हाँ वो बराबर है, कांग्रेस एनसीपी शिवसेना में किसी एक को तो नील रहेगा। हाँ नहीं, इतना ही बताते हैं हम लोग कि 2 और 3 का होगा, बीजेपी को 3 मिलेगी, महागाड़ी को 2 मिलेगी। सर कैसे है ना कि विधान परिषद के बारे में और एक छोटा वीडियो है अपना, और एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि अगले 2-4 दिन में महाराष्ट्र के नए राज्यपाल आएंगे। मेरे पास जो नाम चल रहा था जोर से वो ओम माथुर जी का था, बाद में वर्तमान पत्र में और मीडिया में जो आया वो पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो हैं तुम्हारे, क्या नाम है उनका, वो सरदार जी हाँ, तो उनका नाम अभी चल रहा है उसमें। और आज तो हमारे मध्य प्रदेश की जो महाजन तई है उन्होंने, सुमित्रा महाजन उन्होंने क्लेम ही किया कि मैं आना चाहती हूँ। उसमें थोड़ा दिक्कत है उनको कि भाई मराठी आदमी को ही महाराष्ट्र में नहीं बनाते जनरल थे, मतलब वो है मध्य प्रदेश टेक्निकली, वैसे तो महाराष्ट्र की है वो, तो उनको नहीं बनाएंगे इतना मैं बोल सकता हूँ। मगर सर वो जैसे आएंगे ना तो विधान परिषद के जो 12 सदस्य पेंडिंग है उसकी यदि ओके हो जाएगी, और विधान परिषद के सभापति पद का चुनाव बाकी है, वो 12 जब तक नहीं आते तब तक वो नहीं कर रहे, तो वो भी बाद में हो जाएंगे। तो कुल मिला के अभी मैं इतना ही बता सकता हूँ इस छोटे से वीडियो में, बीजेपी 3,
और महाअघाड़ी 2, ये विधान परिषद का रिजल्ट रहेगा जो 2 मार्च को लगेगा। और आज हम मतलब 4 दिन चुनाव आज हो रहे हैं और इसका परिणाम मार्च में आएगा, 2 मार्च मतलब अभी 2-3 दिन। आज कितना तारीख है सर? जनवरी फरवरी पूरा गया। आज 29 तारीख है ना? 30 है नहीं, जनवरी है ना, तो 2 फरवरी। हाँ 2 फरवरी, अब मार्च की बात, मार्च में 2 फरवरी, 3 दिन के बाद, 3 दिन गलती से जी सॉरी जी 2 फरवरी, तो 2 दिन पहले हम रिजल्ट बता रहे हैं जी। ठीक है सर, तो जो 12 जो और होने वाले हैं, आने वाले सो उनका ऐसा है कि फडणवीस साहब ने 2 कलाकार ऐसे हैं कि जिनको उसमें लेने की बीजेपी की तरफ से सोची है कि जो वो शिंदे गुट में ढकेलना चाहते हैं, जो कला क्षेत्र में है, कला क्षेत्र में है, तो उसमें थोड़ा शिंदे साहब का कहना है कि ये तो है कलाकार मगर वो बीजेपी का अनुकूल है। हमारे कोई ऐसे शिंदे साहब के कोई कलाकार है ही नहीं ज़्यादा, उनका धर्मवीर पिक्चर निकाला उसके छोड़ के बाकी कोई ऐसा उनका ज़्यादा ये नहीं है, तो वो उसके ऊपर थोड़ा चालू है। मगर दिखे ये तुम्हारे शिंदे साहब जो हैं वो फडणवीस को गुरु मानते हैं, तो गुरुपोदेश जो होगा उसी तरह से होगा, ज़्यादा लफड़ा नहीं होगा। तो सर 3 और 2 इतना मैं बोल के जो चुनाव हो रहे बस इतना ही बोलूँगा, नाम नहीं लूँगा कॉन्स्टिट्यूएंसी के, क्योंकि 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरा संभ्रम पैदा कर दिया इन लोगों ने। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे महाराष्ट्र विधान परिषद में आज हो रहे 5 सीट के चुनाव के ऊपर, 4-5 विधान परिषद सीट के चुनाव के ऊपर। इसका रिजल्ट जो है 3 मार्च को होने वाला है और उसका 2 मार्च, हाँ 2 मार्च, तत्ते जी ने जो है आज ही बता दिया कि इसका 3 जो है बीजेपी के साथ जाएंगे, 2 महाअघाड़ी के साथ में। आपका भी अगर सर्वे कुछ होगा इसके ऊपर तो आप भी अपने कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, और अगली वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।